दस खबरें। किसानों के मुद्दे पर लोकसभा में हंगामा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा केंद्र सरकार किसानों के हित में कर रही है काम। आरक्षण की 50% सीमा पर विचार करेगा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी किया जेईई मेंस का रिजल्ट, 99.98% लाकर अनमोल बने बिहार टॉपर। आईसीएसई ने ईद की छुट्टी के चलते 10वीं और 12वीं की परीक्षा की तारीखों में किया बदलाव, 13 से 15 मई तक किसी भी मुख्य विषय की परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। अररिया में महिला दिवस के अवसर पर अधिवक्ताओं द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन, समाज के सभी वर्गों की महिलाओं को किया गया सम्मानित। हाजीपुर में पूर्व मध्य रेलवे द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 300 से अधिक महिला रेल कर्मियों को किया गया सम्मानित। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गर्भवती महिलाओं के लिए स्वास्थ्य संबंधी विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। महिला दिवस के अवसर पर बघा में महिला सफाई कर्मियों ने काटा केक, मौके पर प्रशासन की ओर से सफाई कर्मियों को अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर किया गया सम्मानित। पटना में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कन्या मध्य विद्यालय अमला टोला में एक कार्यक्रम का आयोजन। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बेगूसराय सदर अस्पताल में महिलाओं के लिए कोरोना टीकाकरण की विशेष व्यवस्था की गई।